आने दो दरवाजा बस करो छेड़ो मतलब आ जाएगा भैया, चिंता नहीं करो आप। इस वक्त हम विकास लेन तालाब तिल्लो में हैं और यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ का, इसे सील किया जा रहा है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। कहा जा रहा है कि कुछ वायलेशन जो है वो इस मॉल के द्वारा की गई है और उसी के तहत जो है फिलहाल सुबह से ही अगर देखा जाए तो यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची हुई है और साथ में अगर पुलिस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। अगर आगे देखा जाए तो वहाँ पर देखें तो कुछ जो इनके डोर हैं वहाँ पर उन्होंने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो सील भी कर दिया गया है, डोर को ताला लगा दिया गया है और साथ में पर्चे भी वहाँ पर चिपका दिए गए। सीधे देखा जाए तो उन पर्चों पर लिखा हुआ है कि दिस प्रीमिसेस हैज़ बीन सील्ड बाय द जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हम थोड़ा आगे चलकर आपको दिखा देते हैं, ये अगर बात करें तो इस वक्त विकास लेन जो तालाब तिल्लो में है वहाँ का ये एरिया है। आपने देखा होगा कई बार आप इस रास्ते से गुजरे होंगे, ये विशाल मेगा मार्ट आपने देखा होगा और अभी कुछ देर पहले अगर देखा जाए तो सुबह से ही यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम यहाँ पर पहुँची हुई थी और उनके द्वारा जो है ये प्रीमिसेस जो है वो सील कर दिया गया है और यहाँ पर ये पर्चे भी चिपका दिए जिस पर लिखा हुआ है द प्रीमिसेस हैज़ बीन सील्ड बाय द जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और अगर मैं ताला आपको दिखा दूँ जो इनके दौरान सील किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को जब सील करना होता है वायलेशन को लेकर या कोई भी किसी भी इशू को लेकर, तो इस तरह से उनका ताला जो है वो लगा दिया जाता है। अभी भी देखा जाए तो ये अंदर का, बाहर का भी मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए ये कुछ लोग जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं उन्होंने यहाँ पर भी देखा जाए तो इस डोर को भी जो गेट को भी बंद कर जो है इनके द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी देखे जाए चेन लगा दी गई है। बड़ी बात यही है कि क्या अगर जो यहाँ के जो मालिक हैं फिलहाल वो भी अंदर है, उन्हें भी अंदर, वो भी अंदर, अगर देखा जाए तो भी बाहर नहीं है वो भी अंदर है। बड़ी बात यही है कि जो बात कही जा रही है अभी, क्योंकि बात करने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा है, जो विशाल मेगा मार्ट के ऑनर हैं वो खुद अंदर हैं वो भी बाहर नहीं है और यहाँ पर देखा जाए तो जो कॉरपोरेशन के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कोई बात करने का, यहाँ की जो जेएमसी की तरफ से जो लोग आए हैं उनकी तरफ से भी कोई बात करने को राज़ी नहीं है कि क्यों ये जो विशाल मेगा मार्ट है ये किस वायलेशन को लेकर जो है इसे सील किया गया है, क्या पूरी वजूहत है वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी इनको इस तरह का कोई नोटिस जो है वो दिया गया था, जो भी इनकी तरफ से जो इस मॉल की तरफ से जो वायलेशन रहेगी इनको नोटिस जो है पहले भी जारी किया गया था। और कुछ जो बातें सामने आ रही है, हालांकि ऑनर अंदर हैं, उनके द्वारा उनके हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ उनके हाथ में कुछ ऑर्डर भी है, स्टे ऑर्डर भी है, कि उन्होंने कहा कि मेरे पास स्टे ऑर्डर भी है। लेकिन जब उन्होंने दिखाया तो वो जो है यहाँ के जो कॉरपोरेशन के लोग आए हुए थे उनके द्वारा भी जो है वो माना नहीं गया, वो स्टे ऑर्डर भी जो है वो मान्य नहीं जो है वो इनकी तरफ से कहा जा रहा था। हालांकि यहाँ अगर गेट पर भी हम बता दें तो इसी तरह का पर्चा जो है इन्होंने गेट पर भी लगा दिया है। लगातार जहाँ पर भी वायलेशन या किसी भी तरीके की जो है मिसमैनेजमेंट देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इस तरह की कार्रवाई भी की जा रही है और आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से देखा जाए तो ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है कि कहीं कुछ हाथापाई जैसी कोई बात ना हो जाए या कोई मिस मैनेजमेंट या फिर लॉ को लेकर कोई यहाँ पर गलत चीज़ ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। बाहर भी देखा जाए तो ट्रैफिक को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है, कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके का वायलेशन जो देखा जाता है, चाहे वो रोड को देखा जाए, बहुत सारे पहले भी देखा गया, आपने देखा होगा कि कार्रवाई की गई थी जेसीबी बुलाकर जो है जिस भी दुकानदार ने सामान बाहर लगाया होता है या फिर फुटपाथ की बात की जाए उन्हें कवर किया होता है, अपने दुकान को बाहर तक कवर करके रखा होता है जहाँ जो एरिया जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है, तो वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई पहले भी की जा रही थी। यहाँ तो उनका पास जो है वो जेसीबी की को लेकर जो है वो तोड़ दिया जा रहा था पहले। अपने कनाल रोड पर भी देखा होगा इस तरह की कार्रवाई की गई थी, गांधीनगर अफसरा रोड की बात की जाए वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। और
लगातार उस तरह का जो सिस्टम था वो चलाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर भी कहीं कहीं पर भी जो ये भी देखा जा रहा था कि किसी ने कब्जा किया हुआ है, गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से इस विशाल मेगा मार्ट को सील किया गया है, ये बात भी ये अगर आप सामने देखें तो ये ऑनर हैं जो रेड टी शर्ट हैं, अभी ये ऑनर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी अंदर है, बात उनसे करना चाहें तो, क्योंकि सील पूरा ये डोर कर दिया गया है। बाहर से फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या पूरी बात रही है, क्या चीज़ें हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो थोड़ी बहुत बात अभी तक समझ आई है वो यही कहा जा रहा है कि इन्हें पहले भी नोटिस इस तरह का दिया गया था और कुछ इनकी तरफ से जो वायलेशन थी वो की गई थी, वो अभी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की वायलेशन है जो जिसकी वजह से इन्हें आज जो है सील कर दिया, इसलिए विशाल मेगा मार्ट को जो है वो सील कर दिया है। बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस की देखिए पूरी टीम, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर, पुलिस की टीम यहाँ पर है और जीएमसी के अधिकारी और उनके जो साथ लोग आए हुए हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लगातार इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर भी कोई भी किसी भी तरीके की वायलेशन जो है वो देखने को मिलती है, चाहे वो कहीं पर घेराव किया होता है सामान को लेकर या किसी पाथ को भी घेर लिया होता है, उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अब कहीं पर इनका लगता है, कल भी देखा गया था कि तालाब तिल्लों में ही एक प्रॉपर्टी पर जीएमसी का पंजा चला था और ये कहा जा रहा था कि वो जो है उन्होंने ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर लिया। अभी देखा जाए तो यहाँ पर, क्योंकि ये भी देखा जाए काफ़ी बहसबाजी भी यहाँ पर जो देखी गई थी और उसके बाद अभी फिलहाल लगातार काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर रही थी और अभी देखा जाए तो हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ मामला कुछ गर्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बात की कही गई है ऑनर के द्वारा कि मेरे पास स्टे ऑर्डर भी था, वो स्टे ऑर्डर भी इन्होंने दिखाया, जो यहाँ पर अधिकारी आए उनके द्वारा स्टे ऑर्डर भी दिखाया गया, लेकिन स्टे ऑर्डर ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है कि अभी ये किसी भी तरीके की इस तरीके की कार्रवाई, अगर सील की बात की जाए तो ये सील नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर भी अगर देखा है उसके बाद, क्योंकि गहमागहमी काफ़ी ज़्यादा जो बताई जा रही हो गई है, और तभी इन्होंने फिर जो है इस एरिया को ताला लगाकर सील कर दिया। और यहाँ देखा जाए तो पुलिस के और भी आला अधिकारी पहुँच चुके हैं और बातचीत यहाँ पर की जा रही है कि क्या आखिर इस माजरे को किस तरह से जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि वायलेशन की बात जो है वो लगातार की जा रही है। फिर से बता दें, ये एरिया जो है ये विकास लेन का एरिया है, विकास लेन में विशाल मेगा मार्ट का ये पूरा माजरा है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है। और देखो तरह सीधी तस्वीरें हम आपको विकास लेन से दिखा रहे थे और कुछ बातचीत अगर देखा जाए तो यहाँ पुलिस के बीच में और जो स्टे ऑर्डर है उसको लेकर चल रही है और देखा जाएगा कि अब क्या आगे कार्रवाई, क्योंकि सील तो सीधे तौर पर देखा जाए तो इस एरिया को सील तो कर दिया गया है,
लेकिन बड़ी बात यही है कि अब जिस तरह से इन्होंने स्टे ऑर्डर दिखाया है, क्या उस पर कोई बातचीत जो है वो हो पाती है, उस पर कुछ कहा जाता है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल दीजिए ज़्यादा से पूरी अपडेट से विकास लेन, फिर से बता दूं विकास लेन तलाब तिल्ला का एरिया है, विशाल मेगा मार्ट को यहाँ पर सील किया गया है। आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, अगर कुछ इसमें कोई और अपडेट आती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर जो यहाँ के ऑनर है उन्होंने तो अपनी तरफ से स्टे ऑर्डर बता दिया है। अब देखते हैं कि क्या इसे अभी जिस तरह से सील किया गया है तो वो उनका स्टे ऑर्डर मान्य जो है वो माना जाता है, या फिर अलग तरीके की जो है फिर यहाँ पर जो इन्हें सील किया जा रहा है वो सील जो है वो पूरे तरीके से कर दिया जाता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।